हेलो दोस्तों दोस्तों सीएससी द्वारा पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है आज इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन कर लेंगे और सर्च में आके पैन कार्ड सर्च करेंगे। चौथे नंबर पे आके पैन कार्ड ईकेवाईसी सर्विस पे आ जाएंगे। उसे क्लिक करने के बाद इसका पैन कार्ड का ये फॉर्म खुल जाएगा। क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे आके क्लिक कर देंगे। अब ये पैन कार्ड वाला फॉर्म खुल गया जो यूटीआई सेट का है। ये यूटीआई का बनाएंगे पैन कार्ड। यहाँ अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड पे आ जाएंगे। और इसे ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे और नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। टिक कर देंगे इसे। और पैन कार्ड कैसे चाहिए, फिजिकली भी चाहिए और डाक द्वारा जो आए और मेल पे इसकी कॉपी भी मेल के ज़रिए भी आए। एक रेफरेंस नंबर आया, इसे या तो आप कहीं लिख लें या नोटपैड पे सेव कर लीजिए। उसके बाद टाइटल लड़का है लड़की, ये सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम होता तो फर्स्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम नहीं है तो लास्ट नेम ही डाल दें, खाली वो फर्स्ट नेम में ही आ जाता है। उसके बाद ये पूछा कि और कोई भी नाम, तो नो कर देंगे। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और एड्रेस में आप ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हो या घर का, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो घर का एड्रेस दे देना। और उसके बाद आधार नंबर, और फिर से आधार नंबर टाइप कर देंगे। और यहाँ से आधार नंबर पे जो नाम है वो टाइप कर देंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड चल जाएगा, फ़ोटो होता है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड पे एड्रेस भी पड़ा होता है और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। और मेक ए पेमेंट पे आ जाएंगे, मेक पेमेंट पे। और ये डायरेक्ट आपको सीएससी वॉलेट पे ले जाएगा। यहाँ पासवर्ड डाल दिए, उसके बाद आपकी वॉलेट पिन जो है वो कर देंगे, ये डाल दी और पेमेंट सक्सेस हो गया है। और ये पेमेंट हो गया है, ओके कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। उसके बाद पेरेंट डिटेल्स में इसे हम नो कर देंगे क्योंकि फादर के नाम में हम बना रहे हैं और कोई नाम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ फादर का नाम टाइप कर देंगे लास्ट नेम में, क्योंकि इनका खाली आगे कुछ सरनेम नहीं लगा है तो लास्ट नेम में जाता है ये। और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। और एड्रेस डिटेल में मकान नंबर है, मकान नंबर अगर डाल देंगे, और नहीं है तो ज़ीरो। और उसके बाद मोहल्ला जो भी है मोहल्ला चूज़ कर लेंगे, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सब डिवीज़न क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड जो है वो डाल देंगे। और यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले ऑप्शन भी कर देंगे। अगर आप सैलरी वगैरह पे हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो कस्टमर के जिस हिसाब से कस्टमर है उस हिसाब से सेलेक्ट कर लें। मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ हिमसेल्फ हरसेल्फ कर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ विलेज और जो भी आपका जगह है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे।
अब ये स्लिप आ गई है, इसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट नहीं निकालना है तो आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अब इसकी पीडीएफ सेव कर लेंगे कंप्यूटर में और कस्टमर के नाम का जहां फोल्डर है वहीं सेव कर लेंगे, क्योंकि अगर स्लिप कहीं खो गई तो बात को भी प्रिंट दे सकते हैं। और फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे यहां से, इसे भी उसी फोल्डर में, कस्टमर वाले फोल्डर में सेव कर देंगे। उसके बाद इसका प्रिंट दे देंगे इसे फॉर्म का, इसमें फ़ोटो दो लगेंगे और कस्टमर के सिग्नेचर कराना है। तो एक बार रीचेक कर लिया फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, और उसके बाद इसका प्रिंट दे देंगे। तो फाइनली इसका प्रिंट दे दिया है और इसमें फ़ोटो लगा के कस्टमर का साइन करवाने के बाद अब अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। तो अपलोड करने के लिए फॉर्म की ये आगे और पीछे की कॉपी और आधार कार्ड हमने सेलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट में, तो ये तीनों की पीडीएफ मर्ज कर लेंगे, पीडीएफ में सेव करके और तीनों को मर्ज कर लेंगे। और इनका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB तक ही होना चाहिए। अब यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब ये अपलोड हो रहा है और ये सक्सेसफुली हो गया, थोड़ी देर के में ही यही शो कर देगा। अब ये दो फ्रंट और बैक की कॉपी फॉर्म की और आधार कार्ड की कॉपी। अब क्या करना है, इमेज को क्रॉप करना है और सिग्नेचर क्रॉप करना है। पहले साइज़ फ़ोटो के साइज़ अलग बनाए जाते थे, सिग्नेचर का अलग। अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है UTI वालों का, तो अब ये थोड़ा ईजी हो गया है। अब यहाँ से फर्स्ट को फॉर्म को क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट पेज ओपन हो गया और यहीं से इसे क्रॉप कर लेंगे। और यहाँ इसे ड्रैग कर लेंगे, ये जो फोटो वाला फ्रेम दिख रहा है इसी में आके यहाँ खींच के छोड़ देंगे। उसके बाद सिग्नेचर वाले पे आ जाएंगे और जिस पे फोटो है इसी वाले को फिर से क्लिक करेंगे। इसे क्लिक कर दिया फोटो वाले पे, अब ये पेज खुल गया। अब यहीं से सिग्नेचर क्रॉप कर लेंगे। इसे क्रॉप कर लिया है और ये सही क्रॉप हुआ है। अब यहाँ इसे भी यहाँ ड्रैग कर देंगे। अब ये फोटो और सिग्नेचर दोनों आ गए हैं। अब यहाँ अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे और ये फाइनली सक्सेसफुल हो गया है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को शेयर कर लिए, लाइक तो ज़रूरी कर लेना दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं।